ये हम लोग जा रहे हैं अभी रानी झरना। अब 5 किलोमीटर यहाँ से डांडी यात्रा करना पड़ेगा। उधर है हमारा बाइक खड़ा है, हेलमेट अपने हाथ में। ये व्लॉग बनाते जा रहे हैं हम लोग। पूरा सुनसान है जगह, अभी कोई है ही नहीं है। हाँ, ये पहाड़ है, पहाड़ यह पानी साफ एकदम, पूरा नीचे का पत्थर भी दिख रहा है। अभी और जाना पड़ेगा वहाँ, 5-7 किलोमीटर है अभी, बहुत दूर है अभी रास्ते से। अभी से आते आते अच्छा अच्छा व्यू भी मिल रहा है देखने के लिए। वो हमारा भाई आगे आगे चल रहा है और हम कैमरा मैन पीछे पीछे। आप इस भीड़ में फंसे रहोगे ना तो ये खाने वाने को नहीं मिलेगा। ये पत्ता बहुत सारा है, बॉईल करो खा, मजा आ जाता है। आनंदी ये देखो कैसा दिख रहा है, बढ़िया है व्यू। हाई है नीचे एकदम, एक बार गिरो फुर्सत है फिर। चल स्लो, रानी झरना दिखाऊं कैसा है रानी झरना। ये है हमारा रानी झरना, वो बहुत दूर है, हम लोग मजा नहीं आ जाने में, इंसान है एकदम। इससे अच्छा हम लोग यहीं नहाते हैं फिर चलते हैं, सतरंगा जाएंगे यहाँ से नहा के, नहाएंगे वहाँ भी सतरंगा में भी सतरंगा सीधा जाएंगे हम लोग अपना घर। हम लोग आगे रानी झील से नहा वहाँ के, बढ़िया पूरा वहाँ तक गए नहीं, बहुत दूर था, इसलिए वापस आ रहे हैं। अब जा रहे हैं हम अपने बाइक के पास, बाइक से सीधा जाएंगे रूम। बहुत दूर है लेकिन मज़ा भी आया। यहाँ से चले हैं, ये बाइक खड़ा है सिर्फ घूमने के लिए। ये बाइक हमारी धन्नो, ये हमारी धन्नो है, चोरी ना हो जाए करके डिक्स में लॉक किया। ये लॉक खोल रहे हैं, क्या भरोसा आजकल, इसलिए ये लगाना पड़ता है। ये निंजा टेक्निक है ना, अपना अपना हेलमेट पहनो। अब हेलमेट पहनते हैं, चश्मा ये चले। अब